एक चिचोड़ा यहाँ पर बैठा है, पहले MP5 का डैमेज दिया, वाह रे वाह, 12 करके डैमेज, ओहो फिर से एक मारा, एक 54 का चट से हेड शॉट पड़ा, बंदे को रश करके छोटा सा कवर, फिर से एक स्प्रे मारा, बंदा फिर से कवर लिया, बहुत हार्ड, और कार का स्प्रे खत्म, बहुत हार्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पन गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंक OB रैंक सोलो, एंड दिखाऊंगा क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो गेम प्ले के साथ टिप्स चलता रहेगा, तो जो भी भाई हो मेरे चैनल पर नए आए हो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना मेरे भाई, लाइक ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पर हमारी पेट सिम्बा को लेके जा रहे हैं हमारी जगह पे, जो जहाँ पर हम उतरते हैं पीक, और यहाँ पर आई थिंक बंदा नहीं आ रहा। ओ भाई दो बंदा आ रहा है भाई, मैं तो गलत था मेरे भाई, देखते हैं क्या होता है। दो बंदा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, आगे पीछे, तो पहले तो लूट करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि लूट नहीं मिला। ओ भाई हेडफोन मिला, वाह वाह रे वाह, हेडफोन मिला मेरे भाई, आपके पास कितना हेडफोन है कमेंट ज़रूर करना भाई, क्योंकि बंदे लोग तो हेडफोन लगाने में बिजी है, क्योंकि इवेंट जो आ रहा है ना, मज़ेदार इवेंट आ रहा है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपके पास कितना हेडफोन है बताना, तो देखते हैं क्या होते हैं। MP5 एंड स्कार का स्किन है जो मेरे को मिल चुका है, कुपिट स्कार, और देखते हैं वेस्ट है, ओ लेवल 1 का वेस्ट था वहाँ पर। चलो देखते हैं, फिर भी यहाँ से लूट करेंगे, उसके बाद बंदे को मारेंगे। फिर से एक हेडफोन है यहाँ पर, फिर से मिलेगा लेवल 1 का वेस्ट, तो ऑलवेज वेस्ट आपको मिल जाए, आप किंग हो भाई, किंग हो। उतरती आपको एक क्लोज रेंज का गन, एक वेस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया आप खेल सकते हो, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि एक अलग सा पावर मिलता है। आपके पास वेस्ट नहीं होता ना, आपके पावर लो हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ, सबको ऐसा होता होगा कि आपके पास वेस्ट नहीं होता तो आपके पास पावर नहीं होता, बट आपके पास लेवल 4 का वेस्ट है तो आपके पास ज़्यादा ही पावर है। तो आई थिंक यहाँ पर सामने एक बंदा है, मैं देख लिया था, तो थोड़ा सा वेट करते हैं बंदे के लिए, कहाँ पर है देखते हैं। तो इस बंदे को लूट रहा है खुशी से, इसको थोड़ा झमेला में फंसाएंगे, 18 करके डैमेज फिर से मारा, और बंदे ने ग्लूरो का कवर ले लिया, तो आप भी कवर लो। तो जितना हो सके आप कवर लेके खेलो, जब रश करना है उसी टाइम पे रश करो, ऐसे खुले में आप जाओगे तो ज़रूर आपको मार देगा। तो मेरे पास एक ग्लूअल है, बट फिर भी मैं रश नहीं करूँगा, उसको डैमेज कराऊँ, क्योंकि कवर ऑलरेडी बंदा भाग चुका है, तो अब रश करेंगे। तो देखते क्या होता है, बंदा कहाँ पे कवर लिया है, पहले तो आपको ट्रेस करना है, और उधर से भी इसको एक बंदा मार रहा है, ये सैंडविच बनने वाला है। तो फिर से एक MP40 का स्प्रे मारा, और एक शॉट, और 13 करके डैमेज लिया, बहुत ही बढ़िया है, MP5 का 13 करके डैमेज बढ़िया है। और आई थिंक इसका जो मार रहा था वो भी रश कर रहा है, इसको ये सोचा है कि मेरे बहुत डैमेज है, एक मारा, एक 50 या 74 का शायद हेड शॉट पड़ा है, तो अब रश करने का टाइम है, क्योंकि उसका बहुत डैमेज है। पहले एक छोटा सा कवर फिर से मारा, वो बंदा भी कवर ले लिया, बहुत हार्ड, और लास्ट शॉट कार का एंड ख़त्म। तो इस सिचुएशन में जब मैं डैमेज करता हूँ तब ऑलवेज मैं रश करता हूँ, कभी भी पीछे नहीं बैक होता, तो क्योंकि जब आप बंदे को डैमेज करोगे ज़रूर उसको रश करना, और आप रश नहीं करोगे, सबको बोलता हूँ कि रश करना चाहिए, जब आप डैमेज करो तभी रश करना चाहिए, बट आपके पास ग्लूवल होना चाहिए। आपके पास ग्लूवल नहीं हो तो आप डैमेज वाले को रश मत करो, क्योंकि ऐसा वर्क नेवर डू दिस वर्क, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप ज़रूर मरोगे मैच पे, क्योंकि जो भी बंदा कुछ भी हो उसके पास एक पिस्तौल भी हो, आपके पास ग्लूअल नहीं हो, उसके रश करने जाओगे तो आपका डैमेज ज़रूर खाओगे। आप क्लैश स्क्वाड पे भी ट्राई करके देख लेना, पिस्तौल मोड पे जो कवर लेता है वो सबसे सेफ होता है। तो चलो यहाँ पर 2 किल कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से फिर से लूटेंगे, और फिर से बंदे को ढूंढते हैं कहाँ पर बैठा है, सब छोड़े बंदे लोग, चलते हैं हम लोग। तो हम जा रहे हैं अभी पूरा पौची नॉक से घूम के, बंदा तो और नहीं मिल रहा, कहाँ पर बैठा है पता नहीं। और जब यहाँ पर आया एक AWM का साउंड, तो ये बहुत ख़तरनाक था मैच पे, सारे बंदे AWM कहाँ से मिल गया। स्कार का डैमेज फिर से जी ही डैमेज किया, फिर से मैं रश करने जा रहा हूँ, क्योंकि डरो मत, बंदे को डरोगे ज़्यादातर डर के कवर लोगे तो पीछे से या सामने से आ जाएगा, तो उसको पहले डैमेज देने की कोशिश करो, फर्स्ट डैमेज ऑलर। एक MP40 का स्प्रे दिया, फिर से कवर दिया, फिर से मारने की कोशिश किया, बंदा फिर से भाग रहा है, तो कब तक भागेगा, अरे चचा कब तक भागेगा, तुरे को मार की हम रहेंगे, अर्पण भाई आ रहा है, मारो इसको, भाई कहाँ भाग गया, बंदा भाग गया। फिर से एक MP40 का स्प्रे, और तुरंत से टक से बंदा किल हो गया।
तो ऐसी कवर लेके वो देखो कहाँ पर हील कर रहा था भाई। हील करने में करो तो एक घर पे जाके करो, खुले में यहाँ पर कितना सारा घर था, वो जाके घर पे हील करता तो मेरे को देखता ही नहीं, बट वो खुले में हील करने लगा और इसके लिए वो मारा गया। अच्छे बंदा था। तो चलो इसको किल कर चुके हैं, फिर से बंदे ढूंढने चलते हैं, वो भी कार से। 3 किल हमारा कंप्लीट। और रैंक सोलो पे सबसे खतरनाक जगह है फैक्ट्री, क्योंकि इसके ऊपर बंदे रहते हैं, नीचे बंदे रहते हैं, मिडिल पे रहते हैं, कोई थक थक जो होता है ना उस पे बैठे रहते हैं, बंदा कहाँ पर भी बैठे रह सकते हैं फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री पे एंटर करने से पहले आप दूर से देखो कि बंदा कहाँ पर बैठा है। जैसे मेरे को यहाँ पर हुआ था, मैं यहाँ पर उतरा, देन कहाँ पर मेरे को पता ही नहीं, मेरे को लगा ऊपर नीचे कहाँ से मार रहा है, क्योंकि मैं तो उतरते ही देखूँ क्योंकि वो AWM चला रहा है कि बहुत कहाँ सर बैठा है। मैं पहले ढूंढ रहा था यहाँ पर कहाँ पर है, बट एक चीज़ जब मैं बैकअप ले रहा था और एक बंदा पीछे से एकदम से लिया एक AWM का शॉट, देखो 150 ले लिया। तो पहले उसके बाद मैं देखा बंदा इस सीढ़ी के ऊपर बैठा है। मतलब बंदे लोग रैंक पे कितना ज़्यादा कैम करते हैं, अपनी रैंक पुश के फोकस देते हैं। ऐसे आप रैंक पुश कर सकते हो, बट एक बात, ऐसे ही बंदे जो पीछे से मारे तो कभी भी रश करने मत जाओ। रश यहाँ पर करने जाओगे सीढ़ी के ऊपर से जो रश होता है ना, इस रश जरूर मत करना। आपके पास ग्लूअल भी हो तो ऐसे रश मत करना जो सीढ़ी के ऊपर होता है, ये करोगे तो आप ज़रूर मरोगे, क्योंकि बंदा जो ऊपर से मारेगा ना, आप सीढ़ी से सीधा जाओगे तो आपके पूरा हेड के ऊपर गोली लगेगा। तो मैं रश ही नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में कभी रश मत करना। तो मैं जो फैक्ट्री पे खड़ा हूँ इसके ऊपर बंदा बैठा हूँ, तो आप वो सीढ़ी से जाओगे ऊपर से, जो बंदा मारेगा ना प्योर हेड पड़ता है, क्लैश स्क्वाड पे देखना एक बार करके। तो वो बंदा वेट कर रहा है और आप फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं तो तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तू मेरे को पीछे से मारा है। तो देखते हैं चलो अब क्या होता है, बंदे को क्या मार पाते हैं। बंदा आ रहा है, स्कार का डैमेज 22 करके एक हेडशॉट पड़ा और पूरा बंदा ख़त्म। तो यही बंदे को हमने मार दिया जो पीछे से मार रहा था। देखो 11 बंदे देख रहे हैं, मतलब एक किसको ऐसे छुप के मार दिया पता नहीं भाई। चलो इसको लूट लेंगे, उसके बाद फिर से बंदे को मारने चलते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट कर दिया है। जब भी लड़ाई हो दूर से फ़ायदा लेने की कोशिश करो, कार अंदर मत लेके जाना। तो यहाँ पर बाहर में खड़ा कर दिया, उसके बाद यहाँ से डैमेज किया, कार का डैमेज 22 करके फिर से और एक मारा, ये बंदा ख़त्म हो गया। लोग लड़ाई कर रहा था तो इसी सिचुएशन पर मैं इसको मार दिया। देख रहे हो एक जगह पर तो आप बीच में कार खड़े करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए दूर पर कार खड़ी करो। मिडिल पे उड़ा सकते हो तो कार को उड़ा दो, बट यहाँ पर 3-4 पेयर है तो यहाँ पर आप कार को उड़ा नहीं सकते, वो लोग कवर ले लेंगे। तो इस पोजीशन में आपको दूर पे खड़ा करना होगा, क्लोज पे खड़ा करोगे तो भाई MP40 का स्प्रे से मार देगा, क्योंकि कार से आप जब उतरोगे 1 सेकंड का टाइम लेता है ना। तो देखते हैं बंदे लोग कहाँ पर बैठे हैं। मेरे को तो यहाँ पर 1 किल हो चुका है, 5 किल कंप्लीट, जल्दी से लूटेंगे। और बंदे आ सकते हैं क्योंकि जब एक बार फाइव होता है ना, फाइट होता है, तब दूर से बंदा आता है देखने के लिए, नहीं फ़ायदा लेने के लिए। देखो ऑलरेडी आ चुका है, ग्लोर का कवर लिया, बंदा ऊपर से मार रहा है और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, बट एक एक टाइम पे ड्रैग ही नहीं ले रहा। देखो 10, 13, 15 करके डैमेज, जब जब आपका ड्रैग ना ले ना तो बॉडी पे डैमेज करो, कवर पे आ जाओ, बॉडी पे डैमेज करो, कवर पे आ जाओ। तो देखते हैं आप क्या होता है, बंदे तो मेरे को घेर चुका है, नीचे भी एक बंदा है, ऊपर भी बंदा है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट सिचुएशन तक हम बचे रहेंगे और बंदे को किल करेंगे। मारना मत, मार रहे हैं। फिर से कार का डैमेज 21, ओ भाई साहब 30 ले हेल्थ से बच गया मेरे भाई। पहले ग्लूवल का कवर लगा देंगे, उसके बाद हील करेंगे। अर्पण हील कर भाई, आ रहा है बंदा, आई थिंक रश करेगा क्योंकि उसको पता चल गया कि वो मेरे ऊपर बहुत डैमेज किया। तो आ रहा है बंदा, आ रहा है, एक MP40 का स्प्रे किया और वो मारने से पहले बंदा पूरा किल हो चुका है। बहुत अच्छा डैमेज दिया था बंदे ने, फिर भी 6 किल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कितना बंदे किल करते हैं हम। सोलो पे सब कैंप पर बैठे हैं, देख सकते हो 1, 2, 3, 4 सब है तैयार। यहाँ पर बंदे कैंप कर रहे हैं, फिर से डैमेज किया और फिर से बंदा ग्लूबल कवर ले लिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ग्लूबल लगाने की कोशिश, मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। फिर से स्कार का डैमेज 21 करके फिर से बंदा कवर ले लिया, बहुत हार्ड। जब तक अब ग्लूबल फोड़ने वाले हैं उसको पता चल गया कि उसके पास ग्लूबल नहीं है, वो फिर से मारा, ओ फिर से ग्लूबल है भाई, 2-3 ग्लूबल लगा के रखे है बंदी को, बहुत ही बढ़िया। बंदे भाग रहा है, बंदा भाग रहा है, जल्दी से चलो। फिर से 20 करके डैमेज, बंदा फिर से कवर ले लिया
अब तो रश करना ही पड़ेगा, मेरे पास जोन नहीं है, तो जोन ना हो तो जल्दी से जोन जाने की कोशिश करो कैसी भी करके भाई, क्योंकि जोन नहीं जाओगे ना तो आप ज़रूर मरोगे, क्योंकि एक सिचुएशन आ जाएगा कि वो आपको ऊपर हावी हो जाएगा, तो इसीलिए जोन पहले जाने की कोशिश करो। बंदा नेट कर रहा है और इसी टाइम पे वो गन चेंज कर टाइम पे मैं रश कर दिया, बंदा आ रहा है, एक MP40 का डैमेज, फिर से ग्लोबल का कवर लगा दिया, फिर से और एक डैमेज, बंदा फिर से घूम रहा है, फिर से और एक स्प्रे, ख़त्म। दो बार स्प्रे किया, मिडिल पे वेट किया कब बंदा कवर ले, तो ऐसे कवर नहीं लिया, वो खुले में था, एकदम मार दिया, लैंडमाइन फोड़ देंगे। और अभी भी एक बंदा जिंदा है, तो 1v1 कहाँ पर बैठा है देखते हैं। तो बंदा आ रहा है, तो एक MP40 का स्प्रे 5-6 करके डैमेज दे रहा है, तो हम करेंगे 6 नेट एक साथ, तो लास्ट जोन पे कवर ले तो 6 नेट एक साथ कर दो मेरे भाई, जल्दी से नेट, जल्दी से नेट, एक नेट और यहाँ पर नेट से बंदा ख़त्म हो गया। तो #भूया। तो वीडियो को अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कवर लेके ज़रूर खेलना मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना मेरे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को।